हेलो डॉक्टर हेलो। डॉक्टर, मेरा नाम है नूर मोहम्मद और एक गुड न्यूज़ है कि अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली कॉन्ग्रेचुलेशन नूर मोहम्मद। जी। और यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। क्या प्रॉब्लम है? कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आया। आप बेधड़क होके मुझे सारी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के सामने अपनी प्रॉब्लम बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सारी प्रॉब्लम मुझे बताइए, क्या बात है? डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगले महीने मेरी शादी है, शुरू से ही हम लोगों का खान पान ठीक रहता है, हाँ। नॉन वेज जूट सब कुछ। और बचपन से लेके आज तक मैंने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया, अच्छा। हस्त मैथुन नहीं किया, ओ स्वपन दोष हुआ वो भी अपने आप में, और कभी ऐसी कोई काम नहीं किया जिससे मुझे गिल्टी महसूस हो। तो फिर नूर मोहम्मद तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैडम थोड़ी सी ये है कि मेरा लिंग है ना, मैंने अपने और दोस्तों का देखा, जैसे आमतौर पर जैसे सब लोगों का होता है, मेरा लिंग डबल है। जैसे अच्छा। मेरे दोस्त का अगर 4 इंच का है हाँ। तो मेरा तकरीबन 8 इंच का है, ओ और उसकी मोटाई भी ज़्यादा है। अब मुझे एक खौफ खाया जा रहा है वो क्या? कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अब जिससे मेरी शादी होगी क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार होगी, और अगर वो तैयार नहीं होगी तो जो कारण हमारे बीच है लिंग का, और वो इसको किसी से बयां करेगी तो मैं तो शर्म से। नहीं नूर मोहम्मद, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हंसी खुशी से शादी करो, और रही लिंग बड़ा या छोटा होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जिस लड़की से तुम शादी करोगे, किसी भी लड़की से तुम शादी करोगे, तो अगर उसके साथ तुम अपने रिलेशन बनाओगे तो लिंग छोटा है या बड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़की की योनि का आकार इस तरीके से बना होता है। लिंग छोटा हो तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबा या मोटा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को लेके तो तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं सोच रहा हूँ कि उसको ये सब बता दूँ। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है, सुहागरात पर तुम एक दूसरे के सामने होते हो, तो थोड़ा थोड़ा जैसे इस बारे में बात करना, एक लड़का एक लड़की के बीच में सेक्स होता है तो कईयों के लिंग बड़े होते हैं, कईयों के छोटे हैं, देखो कि वो आपसे किस तरह के सवाल करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद, उसके बाद में आप देखो, थोड़ा टाइम तो लगेगा, और लोगों से में टाइम तो लगेगा उसे अपने करीब लाने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे मेंटली तैयार करने के लिए। लेकिन जितनी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है उतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, ये आम बात है। डॉक्टर, क्या मुझे पहली सुहागरात को उसके साथ सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उसे मेंटली कितना तैयार कर पाते हो, क्योंकि हर लड़की के अंदर एक इस चीज़ को लेके एक डर, एक खौफ बना होता है, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें ना पहले कभी देखी होती है ना की होती है, तो डर पहले से ये होता है कि पता नहीं मेरे पति मेरे साथ क्या करेंगे। और उसमें फिर आपके लिंग में बड़ा या मोटा होने से उसके अंदर एक डर, एक खौफ बैठ जाएगा, जिससे आप अपना लाइफ ठीक से नहीं जी पाओगे, ना ही वो उसे वो खुशी मिल पाएगी, ना उसे तुम वो खुशी दे पाओगे। तो बेहतर ये होगा नूर मोहम्मद कि जब आप सुहागरात में उनके पास जाते हैं तो आप 1-2 दिन सिर्फ उनसे बातें करें, सेक्सुअल बातें करें, रोमांटिक बातें करें, ताकि वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि पहली रात को सभी लड़कियों को दर्द होता है, लेकिन उसे तुम समझाओगे कि तुम्हें नहीं, ये सभी को दर्द होता है, ऐसी कोई बात यूँ नहीं। तो उसकी उम्र 20 साल और मेरी 24 साल की बस है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक लड़की
18 साल के बाद में, वैसे हमारे इंडिया के अंदर 16 साल में लड़की सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है और 18 साल में माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। नूर मोहम्मद, आप शादी करो, हंसी खुशी शादी करो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हाँ, ऐसी कोई घबराने वाली नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, और कुछ? बस मेरे दिल में एक सवाल था जिसका जवाब मुझे मिल चुका है, और मैं आपको एक बार आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है और आप आइए, और मैं अपने जीवन की शुरुआत जैसा आपने हाँ, बताया हंसी खुशी करो, प्यार से करूँगा, और प्लीज़ आपको जरूर आना है। कुछ बातों का ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें अभी समझाया। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है नूर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, बाय।